Hey guys, I welcome you all to StudyIQ. मैं हूँ प्रशांत धवन. भारतीय सेना को सौंप दी गई है स्वदेशी धनुष आर्टिलरी गन. नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनुष आर्टिलरी गन है क्या, इसका यूज़ क्या होगा, और जो भी डिफेंस बेस्ड न्यूज़ हैं इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में एक सवाल आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, क्योंकि थ्रू आउट 2018-19 डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी हद तक न्यूज़ में थे. सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज. बट बिफोर वी बिगेन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विदाउट पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. फेसबुक पर मैं अवेलेबल हूँ, मेरी आईडी है prashant.dhawan.79. इस आईडी को आप गूगल या फेसबुक पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द PDF एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक. यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो मेंस के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है, जो जनरल स्टडीज मेंस पेपर 3 होगा, वहाँ पर जो भी इंडिया तरक्की करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही तरक्की हुई है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है. प्रीलिम्स में मैं कहूँगा बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं सीधा डिफेंस से रिलेटेड. 2018 के प्रीलिम्स पे ये सवाल आ गया था कि बताओ जो थार मिसाइल है, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो न्यूज़ में था, ये इसमें से क्या है? इजरायली रडार सिस्टम है, इंडिया का एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है, या फिर एक कोलैबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया की? तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. तो रिसेंटली अप्रैल 2019 के महीने में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिली है फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस परस्पेक्टिव. हमारे देश ने 6 धनुष आर्टिलरी गन्स तैयार कर दी हैं हमारी आर्मी के लिए, और ये गन्स आर्मी में इंडक्ट हो चुकी हैं. धनुष को कहा जाता है देसी बोफोर्स, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो बोफोर आर्टिलरी गन हमने स्वीडन से खरीदी थी 1980s के दौर में, उसी के डिज़ाइन पर बेस्ड है, मगर काफ़ी सारी अपग्रेडेशन भी है. और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है, जो स्वीडिश कंपनी है बोफोर्स, उन्होंने बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है, प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे ये आर्टिलरी बनानी है वो प्रोवाइड किया था DRDO को. उसके बाद इंडिया में हमने रिवर्स इंजीनियरिंग भी यहाँ पर करी, और काफ़ी रिसर्च के बाद खुद की एक मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन धनुष तैयार कर दी है. अब यहाँ पे आप सोचेंगे तो क्या ये पहली आर्टिलरी गन है जो इंडिया में बनी है? जी हाँ, पहली है. इसके अलावा आई एम श्योर आपने न्यूज़ में 2 और आर्टिलरी गन के बारे में पढ़ा होगा. एक तो है K9 वज्र, और दूसरी है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS. देखिए, ATGS भी एक आर्टिलरी गन है. आर्टिलरी गन क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा. ये भी एक आर्टिलरी गन है, मगर अभी तक ये बनी नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो अभी ATGS को टाइम लगेगा. और दूसरी जो यहाँ पे आर्टिलरी गन है K9 वज्र, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसका जो पहला बैच है वो इंडियन आर्मी को मिल चुका है, मगर ये जो पहला बैच था वो इंडिया में असेंबल हुई है, बनी नहीं है. ठीक है, तो जो K9 वज्र है इसमें साउथ कोरियन कंपनी हेल्प कर रही है, और इंडिया में इसको LNT ने असेंबल किया था. बाकी जो इसकी 90 और यूनिट्स बननी है वो इंडिया में बनेगी. तो टेक्निकली स्पीकिंग K9 वज्र पहली आर्टिलरी गन नहीं है जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है. ये श्रेय जाता है धनुष आर्टिलरी गन को. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आर्टिलरी गन बेसिकली होती क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, और कितनी आर्टिलरी गन इंडिया एक्वायर कर रहा है. देखिए, आर्टिलरी गन की एक फ़ोटो आपके सामने है, मैं वीडियोस भी यहाँ पे प्ले कर दूंगा फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस. अब देखिए, एक आर्टिलरी गन एक लॉन्ग डिस्टेंस रेंज का वेपन होता है. एक आर्टिलरी गन को आप अगर मान लो दुश्मन यहाँ पे है, तो दुश्मन से करीब 30 से लेकर 40 किलोमीटर की दूरी पर आप ये बंदूक को तैनात कर देंगे. ज़रातार बहुत सी गन्स इकट्ठा यूज़ की जाती हैं, और फिर ये फायरिंग करेगी दुश्मन पर. जब आर्टिलरी गन की फायरिंग हो रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है दुश्मन आगे आसानी से बढ़ नहीं पाएगा, वहाँ पे काफ़ी डैमेज होगा. उसके अलावा अगर मान लो कि जो एनिमी कंट्री है वो ऊँचाई पर है, आप नीचे के ग्राउंड पर हैं, तो वहाँ पे सोल्जर्स को आगे भेजने से अच्छा ये है कि पहले आर्टिलरी से बहुत ज़रा फायरिंग कर लो, दुश्मन को नुकसान पहुँचा दो, और फिर ग्राउंड सोल्जर्स को आगे बढ़ाओ. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिलरी एक बहुत ही ज़्यादा कारगर वेपन है. हमने देखा था कि कारगिल युद्ध में जो बोफोर्स आर्टिलरी इंडिया ने स्वीडन से खरीदी थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था,
क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना के लोग थे उन्होंने बहुत ही ऊंची पीस को कैप्चर कर लिया था, तो उनको हिट करने के लिए हमें ऐसी आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आज के टाइम में अगर हम चाहें तो पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब 30-40 किलोमीटर दूर बहुत सी ये गन्स डिप्लॉय कर सकते हैं और इससे पाकिस्तानी आर्मी को काफ़ी डैमेज पहुँच सकता है। ये एक ऑफ कोर्स वॉर प्लान है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में कौन कौन सी आर्टिलरी गन्स न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया इकट्ठा बहुत सारी गन्स एक्वायर कर रहा है। देखिए पहले तो है धनुष, जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं देसी बोफोर्स, क्योंकि जो स्वीडिश आर्टिलरी गन थी बोफोर्स, उससे काफ़ी हद तक ये सिमिलर है, उसी के डिज़ाइन पर ऑलमोस्ट बेस्ड है। फिर एक दूसरी आर्टिलरी गन है जो DRDO और प्राइवेट फर्म्स मिलके बना रही है, इसका नाम है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS। और पिछले साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 150 ATGS का ऑर्डर दिया है फॉर 3,365 करोड़। फिर एक हमने USRA खरीदी है, USRA जो खरीदी है उसका नाम है M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्सर। ये बहुत ही लाइट वेट हाउइट्सर है जिसको आप कैरी कर सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर से, ठीक है। तो ये हमने 145 खरीदी है USA से करीब 5,000 करोड़ के अमाउंट के लिए। फिर जो चौथी है वो है K9 वज्र, ये काफ़ी हैवी ड्यूटी भारी आर्टिलरी गन है। ये एक साउथ कोरियन मॉडल है, प्राइमरली साउथ कोरिया में इसको कहते हैं K9 थंडर। और जो इंडिया का मॉडल बन रहा है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा इन द कमिंग ईयर्स, उसको हम कहते हैं K9 वज्र। तो ये चारों डिफरेंट टाइप है आर्टिलरी गन्स का न्यूज़ में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। नाउ धनुष की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और टोटल हम इंडियन आर्मी के लिए ये 114 धनुष गन्स बनाएंगे। इसमें पोटेंशियल कमाल का है, क्योंकि आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इन गन्स को बांग्लादेश या फिर म्यांमार, श्रीलंका, वेरियस कंट्रीज़ को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बिजनेस पोटेंशियल भी है सिंस इट इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। उसके अलावा मैं आपको यही बता दूँ कि धनुष आर्टिलरी स्टेट ऑफ द आर्ट है। यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो एम्यूनेशन, जो बारूद यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो नेटो 155 mm का होगा। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड एक साइज़ है एम्यूनेशन का, जो इंटरनेशनली बहुत सी आर्टिलरी गन में यूज़ किया जाता है। इससे फ़ायदा ये है कि कल को मान लो हमें एम्यूनेशन इम्पोर्ट करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल होगा, क्योंकि बहुत सी नेटो कंट्रीज़ भी इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। रेंज की अगर हम बात करें तो धनुष की रेंज काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसकी रेंज है 38 किलोमीटर। तो 38 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये दुश्मन को हिट कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको बस अनुमान लगाना है कि दुश्मन कहाँ पे है, यहाँ पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सूट भी होता है, रियल टाइम टारगेटिंग होती है, तो एवरीथिंग इज़ वेल थॉट आउट। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो अमेरिकन मेड M777 हाउइट्सर गन है जो हम खरीद रहे हैं, उसकी रेंज है 30 किलोमीटर। तो धनुष की रेंज हाउइट्सर से भी ज़्यादा है। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं कि M777 का एडवांटेज ये है कि उसको हम कैरी कर सकते हैं आसानी से एक चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं इवन दो उसकी रेंज धनुष से कम है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि धनुष को बनाने में जो स्वीडिश कंपनी है बोफोर्स, उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए हुआ क्या था कि 1980s के टाइम में एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिफेंस डील हुई थी जिसमें राजीव गांधी जी का नाम आया था, हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बोफोर्स स्कैंडल, आई एम श्योर आपने उसके बारे में सुना होगा। तो बेसिकली हुआ क्या था कि इंडिया ने बोफोर्स आर्टिलरी गन खरीदी थी एक स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से। तो उस डील में यह भी था कि इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। इसमें बिकॉज ऑफ द स्कैंडल काफ़ी देरी आई और बहुत ही लंबे समय के बाद ये स्वीडिश कंपनी ने 12,000 पन्नों का एक पूरा हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का मटेरियल प्रोवाइड किया। उसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से गन बनाई जाती है, क्या इंजीनियरिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसको यूज़ किया गया। और जो ऑलरेडी हमारे पास बोफोर्स थी स्वीडिश मेड, उसको भी काफ़ी हद तक स्टडी किया गया और उसके ज़रिए धनुष बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताना चाहिए ना। पाकिस्तान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइमरली यहाँ पर इतनी सारी जो हम आर्टिलरी गन्स खरीद रहे हैं उससे पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो अगर हम खरीद रहे हैं तो उनको भी खरीदनी होगी या फिर खुद डेवलप करनी होगी। खुद डेवलप पाकिस्तान अभी के लिए कर नहीं सकता, तो मोस्ट प्रॉबली वो इसको ख़रीदेंगे।
अगर वो इसको खरीदते हैं तो उसको अफोर्ड अभी के लिए नहीं कर पाएंगे, और अगर करते हैं तो खुद को वापस वो इकोनॉमिक बर्डन के अंडर ले आएंगे। तो इवन दो धनुष को अगर हम यूज ना भी करें एलओसी के आसपास या फिर बॉर्डर के आसपास, धनुष का होना ही और इंडिया के पास ये कैपेसिटी होना कि हम खुद की आर्टिलरी गन बना सकते हैं, इससे पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता है। तो ये था एनालिसिस मेड इन इंडिया धनुष आर्टिलरी गन का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।